सेम ही हमें क्या प्रूव करना है कि हर जी के एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वो का वो एलिमेंट होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने माना जी का तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। अब ए का प्रतिलोम क्या होता है, ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं, तो हर एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करते हैं तो हमेशा हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट आता है यानी तत्समक अवयव आता है। अब नाउ हमें पता है ए इनवर्स स्टार ए क्या आता है, ई आता है, चाहिए हमें क्या, ए इनवर्स का इनवर्स। तो दोनों तरफ इक्वेशन के हमने क्या किया, ए इनवर्स के इनवर्स से ऑपरेट कर दिया। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको इसके साथ में लेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ए इनवर्स के ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए इनवर्स और ये ए बाहर रह जाएगा और इसको ए के साथ में करेंगे तो ये का ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब देख रहे हो कि ए का इनवर्स ए इनवर्स होता है तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स के इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे उसको। तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, ये आइडेंटिटी बन जाएगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ में ऑपरेट होता है तो वो क्या बराबर आ जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो E स्टार A इक्वल्स टू A इनवर्स का इनवर्स। अब ये E के साथ में A को ऑपरेट करेंगे तो A आ जाएगा, तो दोनों चीज़ें क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब क्या है, अर्थात A इनवर्स का प्रतिलोम हमेशा क्या आता है, A इनवर्स का प्रतिलोम क्या आएगा, ए ही आएगा। अब आपके पास में लास्ट जो प्रूफ है वो क्या है, इसमें बताया गया है कि हम क्या बताएंगे, जो रिवर्सल लॉ है उसको प्रूव करेंगे। ए और बी जी के कोई एलिमेंट है तथा ए और बी जी के एलिमेंट है, जी ग्रुप है, इसका मतलब हर एलिमेंट का क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए और बी का भी प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा। तो ए और बी के प्रतिलोम को हम किससे डिनोट करते हैं, ए इनवर्स और बी इनवर्स से। अब नाउ ए को ए इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, बी को बी इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी। इन इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड डाल दिया। अब हमें ये देखना है कि ए स्टार बी का जो इनवर्स आता है वो किसके बराबर आता है। तो आपने क्या किया, ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स से ऑपरेट किया। क्यों, क्योंकि हमें इसका इनवर्स पता करना है। तो इसका इनवर्स यदि ये ही तो प्रूव करना है आपको, तो ये होगा तो ये इन दोनों का ऑपरेशन, दोनों को एक दूसरे से ऑपरेट करेंगे तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। अब देखो ए स्टार ए को बाहर लिया आपने, बी को इनके साथ में ऑपरेट किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, इसको एक पूरा एलिमेंट मान रहे हम, तो बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। अब इन पे इन तीन एलिमेंट्स पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी सहचर्यता नियम लगा देंगे। तो सहचर्यता नियम यहाँ लगाया आपने तो बी स्टार बी इनवर्स इन दोनों को साथ में लिया, इसको बाहर, ये क्या है, आइडेंटिटी के बराबर यानी तत्समक अवयव के बराबर है। ई स्टार ए इनवर्स, ई को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करते हैं तो वो का वो एलिमेंट आता है बाहर, ए अंदर से क्या आएगा, ए इनवर्स, दोनों ई के बराबर। इसका मतलब ये एलिमेंट क्या है, इसका इनवर्स है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली जो आपका ये तो लेफ्ट साइड है, जैसे हम यहाँ करते हैं राइट साइड को भी प्रूव करेंगे, तो राइट साइड को भी इसी तरीके से कर सकते हैं। यदि हमने ए स्टार बी के इधर इस साइड में इसको बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स से शुरू किया तो ये भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, यानी इसके लेफ्ट में रखते हैं तो भी हमारे पास में क्या है, आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब ये एलिमेंट क्या है, इसका इनवर्स है। तो दिस शो दैट बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज ए इनवर्स ऑफ ए स्टार बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्टार बी का इनवर्स किसके बराबर होगा, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के। अब रिवर्सल लॉ को हमने एन एलिमेंट्स पे नोट डाल के लिख रखा है, रिवर्सल लॉ को हमने किस पे, एन एलिमेंट्स पे अप्लाई किया। यदि एक्स वन एक्स टू एक्सन कोई भी एन एलिमेंट है जी के तो इनका इनवर्स क्या होगा, इन सबको क्या है, रिवर्स रूप में लिख के इनके इनवर्स से ऑपरेट करवाना है। तो एक्स एक्स एन का इनवर्स स्टार एक्स एन माइनस वन का इनवर्स स्टार एक्स टू अप टू क्या है लास्ट तक एक्स टू इनवर्स स्टार एक्स वन इनवर्स। यानी ये ऐसे नहीं लिखा जाता कि एक्स वन इनवर्स स्टार एक्स टू इनवर्स एक्स थ्री, ये पीछे से लिखा जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्सल लॉ बोलते हैं। कुछ रिजल्ट्स लिख रखे हैं, इफ़ जी स्टार कोई भी ग्रुप है तब देन फॉर एनी
कोई भी तीन एलिमेंट लिए हैं ए एक्स वाई जी के, वाम काटने का नियम यानी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होगा, ए स्टार एक्स इक्वल्स टू ए स्टार वाई दे रखा है, ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब जी हमारा क्या है ग्रुप है। तो देखो हम लेफ्ट में आपके एक्स के लेफ्ट में क्या है ए है, वाई के लेफ्ट में भी ए है, तो ए एग्जिस्ट, ए यदि जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी होगा, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे ए इनवर्स से ऑपरेट करेंगे, तो ए इनवर्स स्टार ए ई बन गया, ई को एक्स से किया तो एक्स आएगा, इधर भी हमने ए इनवर्स स्टार ए ई बना तो ये क्या बन गया ई स्टार वाई तो वाई, इसका मतलब क्या है ए ए से कैंसिल हो गया, तो इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, एक्स बराबर वाई आ गया। अब क्या है राइट कैंसिलेशन लॉ कैसे होगा, जब हमारे क्या है राइट में सेम क्वांटिटी आए, सेम अवयव सेम एलिमेंट हो और वो एलिमेंट किसके हों किसी ग्रुप के हों, तो हम उन एलिमेंट्स को कैंसिल कर सकते हैं काट सकते हैं, तो एक्स बराबर वाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि ए स्टार एक्स इक्वल्स टू बी और वाई स्टार ए इक्वल्स टू बी यदि दो समीकरण दे रखे हैं तो उनमें उनका क्या है जो सॉल्यूशन है वो यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। ओके थैंक यू।